दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे यहाँ पे एमपी एनसीएम के द्वारा नया ट्रांसफर आर्डर जारी किया गया है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हो, 11/9/2023 को ये आर्डर जारी किया गया है और आदेश में क्या बताया है, किसके लिए है, तो चलिए देख लेते हैं सभी अपडेट को। वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो दोस्त नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आदेश में देख पाएंगे दोस्तों, ये क्रमांक है एनसीएम और 6580, ये आदेश क्रमांक है और आदेश जो जारी किया गया है प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत है निम्नलिखित संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी कम्युनिटी हेल्थ अफसर को कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित संस्था से स्थानांतरित कर कॉलम क्रमांक 4 में उल्लेखित संस्था में पदस्थ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे सीएचओ कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देख पाएंगे इनकी जो वर्तमान पोस्टिंग थी जिला शहडोल के अंतर्गत थी और नाम है यहाँ पे राजेंद्र कुमार मीना है और इनकी एनसीएम आईडी ये है, ये जारी की गई है और इनकी नवीन जो पद स्थापना स्थल है सीओपुर जिला में अंदर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे कमलेश पटेल का है, इनकी एनसीएम आईडी ये है और अभी ये जिला पन्ना के अंतर्गत पदस्थ से और वर्तमान में इनकी पोस्टिंग जारी की गई है छतरपुर के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे सतीश कुमार का है और ये जिला शिवपुरी से जिला मुरैना में इनका पोस्टिंग हुई है, ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे भारती ठाकुर है। नेक्स्ट नाम यहाँ पे दोस्तों मीनाक्षी अस्थाना है और ये जिला रायसेन से, इनका जिला रायसेन के अंतर्गत ही किया गया है और यहाँ पे ओनली दोस्तों उप स्वास्थ्य केंद्र में चेंजेज आए हैं, बाकी सेम ही है। आप देख पाएंगे उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर से इन्होंने हरदौत के अंतर्गत इनकी पोस्टिंग हुई है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे रुकमणी सिंह का है और ये जिला खंडवा से जिला बुरहानपुर में इनकी पोस्टिंग हुई है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे दिलीप सिंह राठौर है और इनका जिला धार से जिला धार के अंतर्गत ही चेंज हुआ है और इनका भी उप स्वास्थ्य केंद्र में चेंजेज आया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे अन्नपूर्णा है, एनसीएम आईडी ये है, इनकी पोस्टिंग जारी की गई है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे देवेंद्र कतीगा है और जिला धार से जिला धार में ही रुखेड़ा से इन्होंने भैसोला में चेंजेज हुआ है, पोस्टिंग हुई है। नेक्स्ट नाम यहाँ पे वैशाली नेमा का है और इनका जिला पन्ना से जिला धार में पोस्टिंग हुई है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे बालकृष्ण शर्मा है, इनका जिला सिंगरौली से जिला ग्वालियर के अंतर्गत पोस्टिंग हुई है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे प्रियंका जाटव है, जिला दतिया से जिला ग्वालियर के अंतर्गत पोस्टिंग की गई है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे दोस्तों सौरभ शर्मा है, जिला मुरैना से जिला मुरैना में ही पहले उप स्वास्थ्य केंद्र परदू का पूरा था और अभी बरेठा में हुआ है इनकी पोस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट नाम अली का है नाम है और ये मुरैना से मुरैना में ही चेंजेज हुआ है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नाम यहाँ पे देख पाएंगे वन बाय वन करके पीडीएफ जो जारी की गई है, लगभग 2-3 PDF इसमें जारी की गई है सीएचओ के लिए और लास्ट नाम आप यहाँ पे देख पाएंगे 28 नंबर में जो दिया गया है देवेंद्र बघेल का है, एनसीएम आईडी ये है इनकी और इनकी जो पहले पोस्टिंग थी अभी लेटेस्ट पोस्टिंग थी उन्नाव जिला दतिया के अंतर्गत थी और अभी इनकी जो पोस्टिंग की गई है घाटी गांव जिला ग्वालियर के अंतर्गत पोस्टिंग की गई है। लास्ट में क्या बताया दोस्तों, युक्त संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ अफसर को कार्य दिवस के अंदर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारी को ज्वाइनिंग रिपोर्ट दें तथा आवंटित उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्य आरंभ करें। जिला ME अधिकारी HWC पोर्टल में उपयुक्ता अनुसार संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ अफसर की जानकारी उद्यन करें। और अपडेट है तो चलिए आप लोगों के साथ दिखा देते हैं, जो कि परमानेंट कर्मचारी हैं नर्सिंग अफसर हैं उनके लिए हैं, तो वीडियो से जुड़े रहें। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के अंतर्गत जारी किया गया है, नर्सिंग अफसर के लिए है और दिनांक की बात करें तो आप देख पाएंगे 13/9/2023 ये लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है और यहाँ पे क्रमांक है और प्रति जो जारी किया गया है, फर्स्ट में देखेंगे लक्ष्मी सिंगारे श्री शेर सिंह सिंगारे स्टाफ नर्स CSC से हैं और उसके द्वारा अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में इनकी ट्रांसफर के लिए आदेश जारी किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे टीना गोरेले हैं और श्री हरि सिंह प्रसाद गोरेले स्टाफ नर्स CSC से हैं, इनकी भी पोस्टिंग यहाँ पे दोस्तों सेम ही जबलपुर में की गई है। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पे कुमारी हैं, श्री मोहन तनवे स्टाफ नर्स से अनरिजर्व से हैं और इनकी पोस्टिंग भी ट्रांसफर जो किया गया है जबलपुर किया गया है। नेक्स्ट नाम यहाँ पे जिज्ञासा मनहास है और श्री अवतार सिंह मनहास है स्टाफ नर्स अनरिजर्व से हैं और इनकी भी नई पोस्टिंग जो की गई है ट्रांसफर किया गया है जबलपुर महाविद्यालय में किया गया है।
और इस विषय में क्या बताया है, पारस्परिक सहमति से अदला बदली के आधार पर नई नियुक्ति हेतु मूल दस्तावेजों के परीक्षण के संबंध में। अब दोस्तों यहाँ पे नई पोस्टिंग जब नई जगह में ये अदला बदली करके जाएंगे तो इस तरह से इनके लिए अपडेट दिया गया है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 2018 भोपाल दिनांक 30 दिसंबर 2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के अधीन कार्यरत स्टाफ नर्स को अनापति प्रमाण पत्र प्रदान करने के पश्चात अदलावल्दी के आधार पर नवीन नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के तारतम्य में कॉलम क्रमांक 3 में अंकित निम्नानुसार स्टाफ नर्सों का मूल दस्तावेज के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को शुरू में नाम दिखा दिया हूँ, तो ये नाम है जो अभी लेटेस्ट पोस्टिंग है और इनकी जो अदलावल्दी की गई है ये यहाँ पे की गई है, तो आप लोग देख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नियम और शर्तें दिए गए हैं, मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र शर्तों के अनुसार संलग्न मूल दस्तावेजों की सूची के अनुसार सत्यापन हेतु दिनांक जो है 18/9/2023 से सोमवार को सुबह 11 बजे अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा चयन समिति के समक्ष मूल दस्तावेज एवं सत्यापन की स्वप्रणित एक सेट छाया प्रति के साथ में उपस्थित होना है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नियम कानून दिए गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, और ये जो अपडेट दिए गए हैं इसको आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना है और इसको फिल करके ले जाना है, जो कि यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई है। इसके अलावा दोस्तों एक और ये अपडेट है जो नोटिफिकेशन आप यहाँ देख पाएंगे, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश के तहत है और जो आदेश जारी किया गया है, प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित नर्सिंग संवर्गों क्रमिकों को कॉलम क्रमांक 4 की वर्तमान पद स्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानांतरण कर पद स्थापना किया जाता है। तो यहाँ नाम दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे अंकिता है और ये नर्सिंग अफसर का पद नाम है और इनका जो वर्तमान पोस्टिंग है जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर है, जो ट्रांसफर होकर के दोस्तों जिला चिकित्सालय बालाघाट के अंतर्गत किया गया है और स्थानांतरण का जो स्वरूप है वो स्वयं के व्यय पे रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों क्या बताया है, यदि कर्मचारी संविदा अनाधिकृत अनुपस्थित न्यायालयीन प्रकरण अथवा निलंबित है तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं इसकी सूचना तत्काल अधो हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें। कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सुनिश्चित करें कि स्थानांतरित कर्मचारी का यूनिक ID एम्प्लॉय कोड कार्यमुक्त आदेश में अंकित है। जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि ईमेल जो है nursing.dhs@mp.gov.in के माध्यम से भेजना रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों ये सभी के नाम से आदेश जारी किया गया जो इसके अधीनस्थ है, प्रतिलिपि है, सबको जारी की गई है और यहाँ पे सारी अपडेट है। इसके अलावा और ये नोटिफिकेशन अपडेट है दोस्तों, तो आप लोग देख पाएंगे जो कि ये 4/9/2023 को जारी किया गया है। जो कैंडिडेट है आप लोगों को बता दो दोस्तों, जो NHM के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो आप लोग देख पाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे नेशनल हेल्थ मिशन के, और आप यहाँ पे देख पाएंगे जो CHO के लिए आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश अभी आपको जो लिस्ट दिखा रहा था मैं, एक 25/8 की है, ये 25/8 की है और इसके बाद ये 11/9 को जारी की गई है और ये 11/9 को जारी की गई है और ये 8/9 को जारी की गई है और यहाँ पे दिनांक भी दे रखा है। तो सभी अपडेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ फ्रेंड, टेक केयर, बाय।